इस टाइम पर अपनाई गई थी और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था 1914 में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र देखें तो व्यापार है, फ्रेंड्स घाटी ताप्ती नदी का है। हेलो दोस्तों, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं सामाज्य विज्ञान विषय का पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही दबा देना बेल आइकन को, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9वीं सामाज्य विज्ञान विषय का। जी हाँ दोस्तों, आप पूरा ये प्रश्न पत्र देख सकते हो, इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और साथ ही साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का कैसा आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आपका पूर्णांक जो होने वाला है, तो दोस्तों पूर्णांक आपका होगा 80 अंक का, आप पूरा इसको देख सकते हो, पूर्णांक आपका 80 अंक का होगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटा। आगे देखें तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है, पूरा आप इसको देख लें और उसी के नीचे दोस्तों यहां पर देखें तो ये यहाँ पर आपको निर्देश पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोगों को इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी A to Z। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रहे इसके सही विकल्प। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा धुंधला जरूर है पर बिल्कुल ऐसा कैसे ही आपको देखने को मिला। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका तो आपको पता ही होगा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों कृषि, पशुपालन, खनन, संचार इसमें शामिल नहीं है, इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों ये आपको बताना है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो ये 1815 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। आगे देखें तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, आप इसको थोड़ा इसका देख लेना। और भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर B R अम्बेडकर थे, B R अम्बेडकर, ये आपको लिख लेना है। आगे देखें तो नेल्सन मंडेला का मुख्यतः संबंध किस गणराज्य से था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा, आप इसमें लिख लेना। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामीनाथन, आप इसको लिख लेना है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न ये सही जोड़ी है, आपको सही जोड़ी नोट कर लेनी अच्छे से। ब्रंश घाटी क्या है? ताप्ती। तो आप सभी लोग इसको देख लेना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2001 में शुरू हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना इस टाइम पे अपनाई गई थी। और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र देखें तो व्यापार है, भ्रंश घाटी ताप्ती नदी का है। तो ये पूरी जोड़ी हो गई आपकी। आगे बढ़ लेते हैं, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? ये आपको बताना है। क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो थोड़ा सा धुंधला जरूर है दोस्तों, आप पूरा इसको देख सकते हो पर पढ़ लीजिएगा, यही प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, प्रत्यक्ष मतदान क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे जिससे कि आप सबकी अच्छे से तैयारी हो सके दोस्तों। आगे कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप इन्हें नोट करें और इसी के क्रम में कुछ प्रश्न ये हैं, आप इन्हें भी देख लें और नोट कर लें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। आगे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न ये हैं यहाँ पर, आप इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज आपका गणित विषय का पेपर काफ़ी अच्छा गया हुआ, सब पूरा आप लिख के आए होंगे सारी चीज़ें। आगे देखें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, आप लोग इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो आप इसे देखें और नोट कर लीजिएगा फटाफट और आगे बात कर लेते हैं। पूरा आपका प्रश्न पत्र था अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का, जो कि मैंने आप सभी को पूरा बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा 1 तारीख को होने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय में। तो मैंने आप सबको ये पूरा प्रश्न पत्र बता दिया। इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट हो रही है यार कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ में इस वीडियो से मैं आप विदा लेता हूँ और आप सभी को देता हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा है तो शुभकामनाएं, नमस्कार।